जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हॉस्पिटलों एवं हॉस्पिटल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोरखपुर को निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में सोमवार को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोरखपुर द्वारा जेएस हॉस्पिटल एवं न्यू कालिंदी हॉस्पिटलों को सील किया गया है एवं तहरीर के आधार पर थाना कैंट एवं थाना रामगढ़ताल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए जनपद के सभी हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं एवं मेडिकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को जेएस हॉस्पिटल एवं न्यू कालिंदी हॉस्पिटल के ऑपरेटरों द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट एवं हवाई फायरिंग की गई थी। इस तरह की अराजकता जनपद में ना फैले, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में 30 जुलाई को 4 मनबड़ों द्वारा जेएस हॉस्पिटल के बाहर हवाई फायरिंग की गई थी। उसमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा धरपकड़ कर गिरफ्तार किया गया था एवं 2 अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। जब पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि जांच की तो पाया गया कि ये लड़ाई मुख्यतः हॉस्पिटल के संचालन एवं मरीजों को लाने से संबंधित थी। इस पर जेएस हॉस्पिटल एवं कालिंदी हॉस्पिटल की जांच कराने के लिए गोरखपुर पुलिस द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया था। उसी जांच के अनुक्रम में आज डिप्टी सीएमओ द्वारा जेएस हॉस्पिटल एवं न्यू कालिंदी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है एवं उनके द्वारा तहरीर के आधार पर थाना कैंट एवं थाना रामगढ़ताल में इंडियन मेडिकल एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।